मुझे बराबर याद है जब हम चुनाव जीत करके आए, आप ही की तरफ से आशंकाएं पैदा की गई थी कि मोदी आधार को खत्म कर देगा, ये हमारी योजना है, मोदी पटक देगा, मोदी आधार को आने नहीं देगा, आप मान करके चले थे। और इसलिए आपने मोदी पर हमला बुलाने के लिए आधार का इसलिए उपयोग किया था कि मोदी लाएगा नहीं, लेकिन जब मोदी ने उसको वैज्ञानिक तरीके से लाया और उसका वैज्ञानिक उपयोग करने के रास्ते खोजे जो आपकी कल्पना में तक नहीं थे, आपकी कल्पना में तक नहीं थे, और अब जब आधार लागू हो गया, अच्छे ढंग से लागू हो गया, गरीब से गरीब सच्चे व्यक्ति को अच्छी तरह उसका लाभ मिलने लगा, तो आपको आधार का इम्प्लीमेंटेशन बुरा लगने लग गया। चट भी मेरी पट भी मेरी, ये खेल चलता है क्या? और इसलिए आज 115 करोड़ से ज्यादा आधार बन चुके हैं, करीब केंद्र सरकार की 400 योजनाएं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगे हैं, 57,000 करोड़ रुपया। अरे आपने ऐसी ऐसी विधवाओं को पेंशन दिया है जो बेटी का जन्म नहीं हुआ वो कागज पे विधवा हो जाती है, सालों तक पेंशन जाता है, पैसे जाते हैं और मलाई खाने वाले बिचौलिए मलाई। विधवा के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर, दिव्यांगों के नाम पर सरकारी खजाने से निकले पैसे बिचौलियों के जेब में गए हैं और राजनीति चलती रही। आज आधार के कारण, आज आधार के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आप दुखी ऐसा नहीं है, आपका दुख का कारण है ये जो बिचौलियों की जाल थी, वो बिचौलियों की जाल खत्म हुई है, और इसलिए जो रोजगार गया है बिचौलियों का गया है, जो रोजगार गया है बेईमानों का गया है, जो रोजगार गया है देश को लूटने वालों का गया है।